रामगढ़ विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी यशपाल कुंडल ने रामगढ़ कस्बे में डोर टू डोर दुकान दुकान पर जाकर चुनाव प्रचार कर अपने पक्ष में मतदान करने और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की अपील की। कुंडल ने कहा कि आज चुनाव को तेज करते हुए हजारों समर्थकों के साथ डोर टू डोर और दुकान दुकान पर चुनाव प्रचार किया है। उन्होंने कहा कि लोगों का भारी संख्या में सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि लोग भाजपा के जुमलों में नहीं आएंगे और लोग उनकी नीतियों को समझ चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो बेरोजगार युवाओं को रिपीट उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो बेरोजगार युवाओं को नौकरियां और बिजली के लंबे लंबे बिलों से छुटकारा मिलेगा, लोगों को महंगाई से निजात दिलाएंगे और शांति कायम करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि लोग हम पर विश्वास करेंगे और अपना वोट हमें देंगे और हम भी उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। देखिए, आप देख रहे हैं कि आज रामगढ़ म्युनिसिपैलिटी में के अंदर जो हमारे दुकानदार भाई है, हम उनसे वोट मांगने के लिए डोर टू डोर जा रहे हैं और दुकान पे जा रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि उनका पूरा सहयोग है। सभी दुकानदारों ने हाथ लेकर हमारा वेलकम किया है और हम उनका दिल के गहराइयों से उनका भी स्वागत करते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि जो पहली अक्टूबर को इलेक्शन होगा रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी में, पूरे यकीन से कहता हूँ कि मेजॉरिटी में वोट जो कांग्रेस को आएगा। और आपने देखा होगा कि लोग अब बीजेपी की नीतियों से तंग आ चुके हैं, इन्होंने सिर्फ जमले दिखाए हैं और जम्मू के लोगों का कुछ भी नहीं किया। आज जम्मू का डोगरा जो है वो महसूस कर रहा है कि हमारे साथ ये जुमला जो इन्होंने खेला है, अब उसी का जवाब जो है वो आने वाले इलेक्शन में देंगे। आज हमारे लोगों की नौकरियाँ चलेगी, जमीन चलेगी, महंगाई जो है वो आसमान को छू रही है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। तो आज हमारे जो जम्मू के डोगरे थे, खासकर मैं जो कहूँगा, जो फौज में जाते थे, अपनी एक पहचान लेकर ये वापस आते थे और सूबेदार मैत्र बनकर रहते थे, लेकिन आज 4 साल की ये इन्होंने अग्निवीर बना दिया। ये लोग महसूस कर रहे हैं कि हमारे साथ सीधा सीधा धोखा हो रहा है। क्या होता है 20% कोटा, जब हमारी सरकार आएगी तो हमारे मैन्युफैक्चरर हैं कि 100% इनको कोटा दिया जाएगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जाएगी, जो जैसे आगे भर्ती होती थी उसी तरह से की दिया जाएगा। जिस स्मार्ट मीटर जो लगाए जाए हैं, आए दिन लोगों के ऊपर बहुत थापा जा रहा है। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है, रिक्रूटमेंट भी मिलेगी, डेवलपमेंट भी मिलेगी, भाईचारा भी मिलेगा और इसी के साथ साथ स्टेटहुड भी मिलेगी, जो हमारे से छीनी गई है गैर कानूनी तौर पर। तो आज क्या राष्ट्रवाद की बात करनी है, ये सिर्फ इनके जुमले हैं। आप ये बताएं ना, आज तक जो हमारे 40 जवान श्रीनगर में शहीद हुए थे, वो RDX कहाँ से आया, वो गाड़ी से कहाँ से आए? हमारे सत्यपाल मलिक जो हमारे LG गवर्नर रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा था कि मैंने अप्रोच किया बार बार होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से कि इनके लिए कोई हेलीकॉप्टर भेजिए, कोई जहाज का बंदोबस्त कीजिए, और इन्होंने कोई भी नहीं सुनी। आए वो 40 जवान ये पूछते हैं, उनके बेटे पूछते हैं मेरा पापा कहाँ है, उनकी पत्नी पूछती है मेरा पति कहाँ है, उनकी माताएं पूछती है मेरा बेटा कहाँ है। तो ये लोग इनको माफ नहीं करेंगे। रही बात आतंकवाद खत्म करने की, आए देखा आपने जगह जगह आतंकवाद है, हर दिन हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं, हर दिन लोग निर्दोष मारे जा रहे हैं। इंजीनियर अब्दुल रशीद को ये हमारे पास साथ MLA रहा है,
ये कहते थे कि ये स्टोन पेल्टर है, जो उनको वंडिंग करता है, ये मिलिटेंट है, ये प्रो पाकिस्तानी है, लेकिन आज उसका वेलकम कर रहे हैं और उसके साथ चल रहे हैं। ये भी कहते थे कि महबूबा मुफ्ती जो है ये भी प्रो पाकिस्तानी है, उग्रवादियों का साथ देते हैं। ये कहते थे आज बाप के साथ भी इन्होंने गवर्नमेंट बनाई, लोगों ने इनको 25 MLA जिताकर दिए, 16 MLA वाला इनको 2 बार इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। ये इन्होंने कहाँ कहाँ नहीं अपना सर्वे किया, ये टोटली अपने समझ चुके हैं। कांग्रेस वो पार्टी है, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो हिंदुस्तान में एक सुई तक नहीं बनती थी, आए जहाज बनाए, IIT बनाए, IIM जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बनाया, और टेक्नोलॉजी जो है रेलवे बनाई, जहाज बनाया, मिसाइल बनाई। तो इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने जो बनाया था, जो कांग्रेस ने 70 साल में बनाया, इन्होंने 10 साल में बेचा है, लोग समझ चुके। अब आ गया है इवीको, एक ऐसा L5 इलेक्ट्रिक ऑटो जो करेगा आपकी हर समस्या का समाधान और देगा हर ऑटो को मत। जी हाँ, ई राइड है एक ऐसा इलेक्ट्रिक ऑटो जिसमें ड्राइवर सहित 7 लोगों के आराम से बैठने की जगह है, जबकि 6 सवारी बिठाना भी है अलाउड। 10,000 वॉट की पावरफुल मोटर चढ़ जाएगी खड़ी चढ़ाई। 17 किलोवाट की 230 AH की बैटरी देती है 150 किलोमीटर से भी अधिक की माइलेज, वो भी 3 साल की वारंटी के साथ, क्योंकि इसमें लगा है एडवांस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, जबकि बैटरी चार्ज करने के लिए है एक इजी होम चार्जर। उबड़ खाबड़ सड़कों के लिए मजबूत शॉकर, सस्पेंशन व बड़े टायर। चोरी से बचाव के लिए इसमें लगा है GPS सिस्टम, डिजिटल डिस्प्ले, मजबूत मेटल बॉडी के साथ। मैदानी इलाकों में चलने के लिए है इको मोड, जबकि पहाड़ी इलाकों में चलने के लिए है पावर मोड। ई राइड में है चमकदार इंडिकेटर और तेज रोशनी की हेडलाइट। इसमें आपको मिलेगा इनबिल्ट मोबाइल चार्जर, फायर इंस्ट्रूमेंट, फर्स्ट एड किट और दमदार ब्रेकिंग सिस्टम भी। यानी अब सभी इलेक्ट्रिक ऑटो से ई राइड है सबसे अधिक दमदार वो पावरफुल, और ये मात्र पैसेंजर में ही नहीं बल्कि कार्गो में भी उपलब्ध है, वो भी अधिक स्पेस के साथ, जिसे कहा जाता है छोटा हाथी। तो देर किस बात की, आज ही आए और ले टेस्ट राइड। हमारा पता है जम्मू HEVs प्राइवेट लिमिटेड, यार्ड नंबर 6, प्लॉट नंबर 37, ट्रांसपोर्ट नगर, मेन स्ट्रीट, जम्मू। मोबाइल नंबर 9780868883, 9070770000। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।